तो भाई लोग, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि MCU की शुरुआत आयरन मैन मूवी से हुई थी, जो कि 2008 में आई थी। बट भाई, क्या तुम लोगों को पता है कि आयरन मैन की मूवी 90s के जमाने से बनने वाली थी, बट भाई बन नहीं पा रही थी। क्योंकि भाई, जैसा कि तुम लोगों को पता हो कि 1990 में मार्वल बहुत ज्यादा गरीब हो गया था एंड उसे अपने कैरेक्टर्स के राइट्स बेचने पड़े थे, एंड इसी में इन्होंने मार्वल के राइट्स यूनिवर्सल को बेच दिए थे। बट भाई, यूनिवर्सल भी इस पे मूवी नहीं बना पा रहा था। फिर यूनिवर्सल ने ये राइट्स फॉक्स को बेच दिया एंड भाई फॉक्स भी इस पे मूवी नहीं बना पाया, तो फॉक्स ने इसके राइट्स न्यू लैंड सिनेमा को बेच दी। बट न्यू लैंड सिनेमा भी इस मूवी नहीं बना पाया, क्योंकि भाई जो न्यू लाइन सिनेमा के फाउंडर थे, उन्हें ये कैरेक्टर प्रैक्टिकल लगता ही नहीं था। उन्हें लगता था कि इस पे मूवी बनी तो वो चलेगी ही नहीं। तो भाई, इन्होंने भी इस पे मूवी नहीं बनाई एंड एट द एंड 2008 में ये कैरेक्टर घूम फिर के मार्वल के पास आ जाता है एंड फिर मार्वल इस पे मूवी बनाता है एंड भाई बिलियंस ऑफ डॉलर छापता है। क्योंकि भाई, अभी के टाइम में जो आयरन मैन के कैरेक्टर का क्रेज है, वो भाई किसी और कैरेक्टर का क्रेज मैच नहीं कर सकता। एंड अगर ऐसा हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एक्टिंग के बदौलत।